बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अवैस अहमद की तरफ से राइस कारीजा मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी के यूट्यूब चैनल में आप सबको एक बार फिर खुश आमदीद। आज हम प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर का नाम है और कोड है 125 और चैप्टर नंबर 6 है। तो सबसे पहले हम आइए स्टार्ट कर लेते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होती क्या है। ये साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम चार्जेस के बारे में स्टडी करते हैं रेस्ट पोजीशन में। अगर चार्जेस रेस्ट पोजीशन में हो उसके बारे में जब हम जिस ब्रांच में स्टडी करते हैं उसको कहते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मतलब ये वो इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द चार्ज एट रेस्ट पोजीशन। तो उसके बाद अब हम ये देखते हैं कि ये चार्जेस प्रोड्यूस कैसे होती है। अगर दो बॉडीज को हम आपस में रब करते हैं, दूसरे से टकराते हैं, तो क्या होगा, ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि चार्ज होती क्या है। किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी या एफिशिएंसी को चार्ज कहते हैं। मतलब किसी भी एटम के ऊपर अगर इलेक्ट्रॉनों का बढ़ना या कम होना उसको कहते हैं चार्ज। किसी भी एटम के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स का बढ़ना या कम होना इलेक्ट्रिक चार्ज कहलाता है। तो इसकी डेफिनेशन हम लिख सकते हैं द डेफिशिएंसी और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम इज कॉल्ड चार्ज। जैसे कि हमें पता है कि चार्ज दो टाइप्स की होती है, एक को हम कहते हैं पॉजिटिव चार्ज, दूसरे को हम कहते हैं निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज कब प्रोड्यूस होती है? किसी भी एटम में पॉजिटिव चार्ज उस वक्त प्रोड्यूस होती है जब वो एटम इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करता है। यानी एटम से इलेक्ट्रॉन्स जब निकलते हैं तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाती है। इसी तरह निगेटिव चार्ज क्या होती है? अगर किसी एटम के पास इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं या वो किसी दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है या ले लेता है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाती है। अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या, इसकी डेफिनेशन क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी चार्ज के गिर्द वो एरिया या रीजन होती है जिस पर दूसरी बॉडी अगर करीब जाए तो उस पे कोई ना कोई फोर्स एग्जर्ट हो जाती है। यानी उस बॉडी पे कोई ना कोई फोर्स लग जाती है, उस पे कोई ना कोई इफेक्ट आ जाता है, उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसकी डेफिनेशन है द एरिया रीजन अराउंड अ चार्ज इन विच इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कैन बी फेल्ट। ये वो एरिया या रीजन है जिसमें कोई ना कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होती है, फेल्ट होती है, एहसास महसूस होती है। उसके बाद हमारे पास जो दूसरा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होती क्या है? ये बेसिकली इमेजिनरी लाइंस होती है जो किसी भी क्या होती है चार्ज के अराउंड डिस्ट्रीब्यूट होती है। मसलन दो टाइप्स का चार्ज मैंने ले लिया है, एक है पॉजिटिव चार्ज, दूसरा है निगेटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज से आप जज कर लीजिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकली हुई है, ये देखिए। और निगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो रही है, एंटर हो रही है। तो इसको इन लाइंस को हम कहते हैं इमेजिनरी लाइंस डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड अ चार्ज। यानी ये चार्ज है जिसमें इमेजिनरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो गई है, डिस्ट्रीब्यूट हो गई है। अब हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारे पास फील्ड लाइंस बिटवीन टू सेम चार्जेस। दो सेम चार्जेस हों तो उनके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होंगी हम वो देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है प्लस प्लस चार्ज, इसमें हम फील्ड लाइंस ड्रा करते हैं। तो इसमें फील्ड लाइंस कुछ यूं होंगी, ये ऐसे बाहर की तरफ निकलती हुई नजर आएंगी, ऐसे ऐसे होंगी, यहां से ऐसे बाहर निकलती हुई नजर आएगी, ऐसे। इसी तरह यहां पे जो चार फील्ड लाइंस होंगी वो होंगी ऐसे डेविएट करेंगी यहां से ऐसे। इसके बाद अब हम देखते हैं कि दो माइनस चार्ज के दरमियान फील्ड लाइंस कैसे ड्रॉ करते हैं।
इसमें भी ऐसे फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होंगी ऐसे, एक्चुअली इनके दरमियान जो डेविएशन हो रहा है या एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, इसका मतलब यह है कि दो सेम चार्जेस का इफेक्ट ये होता है कि वो एक दूसरे को रिपेल करती है। इस वजह से ये फील्ड लाइंस एक दूसरे से दूर चली जा रही है। इसके बाद हमारे पास है फील्ड लाइंस बिटवीन टू अपोजिट चार्जेस। अगर दो डिफरेंट चार्जेस हो तो उसके दरमियान जो फील्ड लाइंस होगी वो कैसी होगी, उसको हम प्लस से माइनस की तरफ ऐसे ड्रॉ करेंगे। ये फील्ड लाइंस, क्योंकि हमने ये पढ़ा था कि फील्ड लाइंस जो होती है हमेशा पॉजिटिव से ओरिजिनेट होती है और नेगेटिव टर्मिनल में जाके टर्मिनेट होती है। मतलब ये हुआ कि पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस निकलती है और नेगेटिव चार्ज में जाके एंड होती है। अब हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे पास है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन है द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स एमिटिंग फ्रॉम ए चार्ज बॉडी। कोई भी हमारे पास चार्ज बॉडी है जैसे कि प्लस चार्ज है और माइनस चार्ज है, उसमें से जो लाइंस निकलती है फील्ड लाइंस, जैसे कि हमने पहले टॉपिक में डिस्कस किया था, उनमें से जो फील्ड लाइंस निकलती है या इमिट हो रही है उनको कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं जिसको कहते हैं हम, ये हमारे पास जो है वो है फ्लक्स का सिंबल जिसको हम फाई से डिनोट करते हैं। इसके बाद हमारे पास है इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी की डेफिनेशन ये है कि एक यूनिट एरिया में से जितने फील्ड लाइंस गुजरेंगे उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। मतलब ये हुआ हमारे पास ये यूनिट एरिया है, यूनिट एरिया, अब उसमें से क्या होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजरेंगी। मतलब ये हुआ कि एक यूनिट एरिया से गुजरने वाली लाइंस को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी कहेंगे। इसको हम मैथमेटिकली इस फार्मूले से डिनोट करते हैं, डी इज इक्वल टू फ्लक्स थ्रू पर यूनिट एरिया। इसके बाद हमारे पास ये परमिटिविटी। परमिटिविटी की डेफिनेशन है इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी दैट डिस्क्राइब्स हाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अफेक्टेड बाय अ मीडियम। मतलब ये हुआ कि किसी भी मीडियम से इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों डिफेक्ट होता है, कैसे डिफेक्ट होता है, उसको हम कहते हैं परमिटिविटी। मतलब मीडियम की वजह से किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में होने वाले इफेक्ट को हम कहते हैं परमिटिविटी। इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी दैट डिस्क्राइब्स हाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अफेक्टेड बाय मीडियम, कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी मीडियम से कैसे इफेक्ट होता है उसको हम कहते हैं परमिटिविटी। अब ये परमिटिविटी टू टाइप्स की होती है, एक होती है एब्सोल्यूट परमिटिविटी और दूसरी होती है रिलेटिव परमिटिविटी। अब एब्सोल्यूट परमिटिविटी क्या होती है, इट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी टू इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। एक्चुअली एब्सोल्यूट परमिटिविटी एक रेशियो है हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के दरमियान। डी जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी है, ई जो है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है, इसकी जो यूनिट होती है फोर्स पर मीटर होती है। और हमारा जो आज का आखिरी जो टॉपिक है वो है रिलेटिव परमिटिविटी। अब रिलेटिव परमिटिविटी होती क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी इन अ मीडियम टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी ऑफ वैक्यूम। ये बेसिकली एक रेशियो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी किसी भी मीडियम का और इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी वैक्यूम है। अगर हम इन दोनों का रेशियो लेते हैं तो यह कहलाता है रिलेटिव परमिटिविटी।
तो नाजरीन उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। समझ आने की सूरत में हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।